बहुत पहले इंडिया में एक गांव था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। गांव वाले बहुत रिलीजियस थे। वे हर दिन अपने भगवान की पूजा करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। वो बुड्ढा की टीचिंग्स फॉलो करते थे। बुद्ध के उपदेशों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। हर शाम वो एक बड़े बेनियन ट्री के नीचे इकट्ठा होते थे। ये पेड़ उनके लिए एक पवित्र स्थान था, जहां वे शांति और ज्ञान की खोज में आते थे, कहानियां सुनाते थे और सुनते थे। ये कहानियां उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, जो उन्हें एकजुट रखती थीं। ये कहानियां उन्हें अच्छा बनने के लिए इंस्पायर करती थीं। हर कहानी में एक गहरा संदेश होता था, जो उनके दिलों को छू जाता था। एक दिन माया नाम की एक औरत ने एक कहानी सुनाई। उसकी कहानियां हमेशा दिलचस्प और प्रेरणादायक होती थीं। उसने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी। उसकी दया और करुणा ने सभी को प्रभावित किया। मंकनन ने ये देखा। वह हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए चिंतित रहते थे। वो गांव के सबसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे। उनकी उपस्थिति गांव वालों के लिए एक आशीर्वाद थी और उनकी सलाह को सभी मानते थे। उस दिन के बाद गांव वालों ने माया की कहानी से प्रेरणा ली और अपने जीवन में दया और करुणा को और भी अधिक महत्व दिया। इस प्रकार गांव में शांति और सद्भावना बनी रही और सभी ने मिलकर एक खुशहाल जीवन जिया। माया ने बताया कि कैसे कुत्ते की आंखों में भूख दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। माया को लगा कि वह कुत्ता बहुत दिनों से भूखा है और उसे तुरंत कुछ खाने की जरूरत है। उसे उस पर दया आ गई। माया ने सोचा कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेगी तो शायद कोई और भी उसकी मदद नहीं करेगा। उसने अपने दिल में एक गहरी संवेदना महसूस की और तुरंत कुछ करने का निर्णय लिया। उसने अपनी रोटी कुत्ते को दे दी। माया ने देखा कि कुत्ता कितनी तेजी से रोटी खाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों से भूखा हो। माया ने सोचा कि शायद यह कुत्ता बहुत समय से किसी की मदद का इंतजार कर रहा था। कुत्ता रोटी खाकर खुश हो गया। उसकी पूंछ हिलने लगी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। माया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता उसे धन्यवाद कह रहा हो। माया को भी खुशी हुई। उसने महसूस किया कि किसी की मदद करने से उसे भी कितनी खुशी मिल सकती है। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। मंकनन मुस्कुराए। उन्होंने माया की ओर देखा और उसकी दयालुता की सराहना की। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ और प्रशंसा थी। उन्होंने कहा, माया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी इस छोटी सी मदद ने एक जानवर की जिंदगी बदल दी। माया ने पूछा, क्या यह सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं था? मैंने तो बस एक रोटी ही दी थी। मंकनन ने कहा, नहीं माया, ये छोटा काम नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। तुम्हारी इस छोटी सी मदद ने न केवल कुत्ते की भूख मिटाई, बल्कि तुम्हारे दिल में भी दया और करुणा का बीज बोया है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मंकनन ने 8 फायदे बताए। पहला, इससे काइंडनेस बढ़ाती है। दूसरा, ये अच्छा कर्म है। तीसरा, ये सैडनेस कम करता है। चौथा, इससे डिटैचमेंट बढ़ती है। पांचवा, ये कम्युनिटी को जोड़ता है। छठा, ये दूसरों के लिए एक एग्जांपल है। सातवां, इससे खुशी मिलती है। आठवां, ये मेडिटेशन की ओर ले जाता है। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उन्हें एहसास हुआ कि छोटे छोटे कामों के भी बड़े रिजल्ट्स हो सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वे भी दयालु बनेंगे। वे जानते थे कि इससे उनका और उनके आसपास के लोगों का जीवन बेहतर होगा। राघव नाम का एक आदमी वहां बैठा था। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, अपने संघर्षों और कठिनाइयों पर विचार कर रहा था। वो एक गरीब फार्मर था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह हमेशा गुस्से वाला और दुखी रहता था। उसकी जिंदगी में खुशियों की कमी थी और वह अक्सर निराश महसूस करता था। लेकिन माया की कहानी ने उसे बदल दिया। माया की कहानी ने उसे सिखाया कि कैसे दया और करुणा से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। उसने फैसला किया कि वह भी दयालु बनेगा। उसने सोचा कि अगर वह दूसरों की मदद करेगा तो शायद उसकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। उसने अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू कर दी। वह उनके साथ अपने संसाधन साझा करने लगा और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने लगा। वो जानवरों के साथ भी दया से पेश आने लगा। उसने महसूस किया कि जानवर भी प्यार और देखभाल के हकदार हैं। धीरे धीरे वह एक खुश इंसान बन गया। उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं और वह अपने नए दृष्टिकोण से संतुष्ट था। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी जी रहा था। माया, कुत्ते और मंकनन की कहानी इंस्पायरिंग है। यह हमें सिखाती है कि काइंडनेस कितनी इंपॉर्टेंट है।
यह हमें दिखाती है कि छोटे छोटे काम भी बड़ा चेंज ला सकते हैं। आइए हम सब माया से इंस्पिरेशन लें, आइए हम सब दयालु बनें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।